सूरजपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बजट में क्या दिया और धान खरीदी से किसान कितना संतुष्ट हैं, इस मामले को लेकर आज सूरजपुर रेस्ट हाउस में किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विमलेश दत्त तिवारी ने प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के हित को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का दूसरा बजट मंगलवार को पेश हुआ। बताया गया कि राज्य सरकार ने 17,34,000 किसानों को कर्ज माफ किया है। पूरे प्रदेश के बस्तर से लेकर सरगुजा तक के किसान कांग्रेस और किसान भाइयों को के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्वागत किया जाना है। लगभग 20,000 से 25,000 लोगों के वहाँ जुटने का अनुमान है। भाजपा की बात कीजिए, भाजपा ने इस बजट को खेल बताया, उन्होंने कहा कि आम आदमी के विरोध का विरोधी बजट है। सिसियानी बिल्ली खम्भा लोचे, 15 साल के शासन काल में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में अगर कुछ किया होता तो आज हमको ये करने की जरूरत ही नहीं होती। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और 300 रुपये क्विंटल बोनस देंगे, नहीं दिया। प्रदेश में किसान लोग आत्महत्या कर रहे थे, किसी की गाड़ी खींची की जा रही थी, किसी का खेत नीलाम किया जा रहा था, तब जाके आज कांग्रेस को इतना भारी बहुमत से प्रदेश की जनता ने जिताया और भूपेश बघेल जी के द्वारा उनके अपेक्षा के अनुरूप निर्णय लिया जा रहा है। चाहे वो किसानों का हो, चाहे शिक्षा कर्मियों का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे आदिवासी हित की बात हो। TCP 24 न्यूज के लिए सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट।